इस हेडलाइंस के लिए हमारे साथ ताउन किया है। बिल्कुल सही बात है कि साबुन कोई भी हो बार बार हाथ धोना जरूरी है, पर साबुन कोई भी हो खरीदना तो पड़ेगा, वो भी बार बार। क्या ही अच्छा हो कि कुछ दिनों तक ये साबुन मुफ्त मिल जाए। तो अब से वाइटल चाय खरीदते वक्त अपने दुकानदार से डिमांड कीजिए वाइटल एंटी बैक्टीरियल सोप बिल्कुल मुफ्त। वाइटल चाय के बड़े पैक के साथ बड़ा और छोटे पैक के साथ छोटा वाइटल एंटी बैक्टीरियल सोप बिल्कुल मुफ्त। जरासीम को मात दो, बार बार हाथ धो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम बरहम। वजीर आजम का मौशी टीम को हकायक सामने लाने का हुक्म। इमरान खान की मौशी टीम को कीमतों में इजाफे की वजूहात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हदायत। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे को ज्यादा हाईलाइट करें। भारत और खित्ते के दूसरे ममालिक से तकाबली जायजा रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। पेट्रोल की कीमत में 41 की बजाय सिर्फ 25 रुपए का इजाफा किया। उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में कम है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में 112% इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना मजबूरी है। शिबली फराज बोले आलमी मार्केट में इजाफे पर कीमतों में नजरसानी की। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कम इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। इक्तदार में आने वाले पैराशूट्स माफिया के मफादात की खिदमत करते हैं। हकीकी मुंतखब करदा क्यादत अवामी मफाद को मद्देनजर रखती है। शहबाज शरीफ का ट्वीट। राना सनाउल्ला कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तारीखी डकैती है। रातों रात कीमतों में इजाफा करके 100 से 150 अरब का डाका मारा गया है। हुकूमत में मौजूद माफिया ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कराया। अवाम पर कल रात महंगाई बम गिरा। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं अवाम को 7 अरब रुपए का टीका लगा दिया गया। कीमतों में 34% तारीखी इजाफा छाबड़ी और रेड़ी वाला भरेगा। FIA मालूम करे कौन लोग थे जिन्होंने सस्ता पेट्रोल जखीरा किया अब महंगा फरोख्त कर रहे हैं। खुरम दस्तगीर ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से माफिया की जीत। रियासत जबर के साथ नहीं रूल ऑफ लॉ के साथ चलती है। एहसन इकबाल बोले FIA को इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, इदारे को तबाह होते नहीं देख सकते। वजीर आजम तकरीर करते हैं मैं सब्स पासपोर्ट की इज्जत बहाल करूंगा। मौजूदा पासपोर्ट को ई पासपोर्ट से रिलीज किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली बोले एहसन साहब आप डॉक्टर की हदायत पर अमल नहीं कर रहे, आपको एहतियात करनी चाहिए। PIA के लंदन से लाहौर आने वाले त्यारे में फनी खराबी। बरतानवी एविएशन ने त्यारे को उड़ान भरने से रोक दिया। ग्राउंड करने की हदायत। हथेरो एयरपोर्ट पर इंस्पेक्शन टीमों ने तहफुजात का इजहार किया। परवाज PK 758 ने जुम्मे की शाम को लाहौर के लिए रवाना होना था। ठट्टा लोड शेडिंग का फायदा चोरों ने उठा लिया। मुखी हेडक्वार्टर की मुखली कॉलोनी में एक ही घर से लाखों रुपए नकदी और सामान चोरी कर लिया। नामालूम चोरों ने मुखली कॉलोनी में सरकारी मुलाजिम इजहार के घर से 3 लाख नकदी, जनरेटर और दीगर कीमती सामान चुरा लिया। मुखली थाने में नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकपतन में पंचायत का अनोखा फैसला। लव मैरिज करने वाले लड़के की बहन को लड़की के भाई के साथ वनी कर दिया। मुतासर लड़की के मुताबिक पंचायत ने असले की नोक पर 60 साल शख्स के साथ निकाह पढ़वाया। मुतासर लड़की के मुलजिमान के चुंगल से भाग निकली। SHO मलका हांस ने टेलीफोनिक मौकिफ में बताया कि मौसूल होने वाली दरख्वास्त पर इंक्वायरी कर रहे हैं। इस हेडलाइंस के लिए हमारे साथ ताउन किया है। बिल्कुल सही बात है कि साबुन कोई भी हो बार बार हाथ धोना जरूरी है, पर साबुन कोई भी हो खरीदना तो पड़ेगा, वो भी बार बार। क्या ही अच्छा हो कि कुछ दिनों तक ये साबुन मुफ्त मिल जाए। तो अब से वाइटल चाय खरीदते वक्त अपने दुकानदार से डिमांड कीजिए वाइटल एंटी बैक्टीरियल सोप बिल्कुल मुफ्त। वाइटल चाय के बड़े पैक के साथ बड़ा और छोटे पैक के साथ छोटा वाइटल एंटी बैक्टीरियल सोप बिल्कुल मुफ्त। जरासीम को मात दो, बार बार हाथ धो।